कह रहा है अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सोप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर। हाँ भाई, तो बाउल कैसा है बच्चों? उसका जो बाउल है जिसमें उसको सूप दिया जाएगा पेशेंट को, कोई मरीज है, बहुत सारे मरीज होंगे हॉस्पिटल में। अब आपको पता है कॉमन खाना बनता है सबका, कॉमन सूप एक बार तैयार होगा कहीं और वहाँ से कैंटीन से उनको सर्व कर दिया जाएगा। तो कितने पेशेंट्स को सर्व करना है? 250 पेशेंट्स को डेली सर्व करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो कैसे एक पेशेंट को कैसे सूप दिया जाता है उसको चेक करो। ये कोई सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक, जिसमें सूप डाल के उसको दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान दे जरा, जब सूप इसमें डाला जाएगा, लिक्विड होता है वो, तो वो लिक्विड किसका शेप ले लेगा? इस बाउल का, सिलेंडर शेप का लिक्विड भी हो जाएगा आपका जो सूप होगा। लेकिन ध्यान दें, क्या पूरा भर के दे देगा एकदम? नहीं, ऊपर से थोड़ा सा खाली भी रहता है, नहीं तो गिर जाएगा। तो बाउल का हाइट कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो कौन सी हाइट से मतलब है? जितनी हाइट तक लिक्विड भरा रहता है, जितनी हाइट तक सूप भरा रहेगा, हमें उस हाइट से मतलब है। क्योंकि बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में जरा ध्यान से चेक करिएगा कि हम अगर एक बाउल को बनाएं, आपको दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल बाउल होगा ये, और इसकी रेडियस डॉट 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 करके हमने रेडियस कह रहे हैं, सॉरी, ये सर्कुलर पोर्शन का जो पिछला पोर्शन है वो हम आपको कैसे दिखा रहे हैं? डॉट डॉट करके, जो अंदर होगा, है ना, पीछे कहीं होगा, और ये वाला हमने डार्क करके दिखा दिया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, ये कंटेनर है आपका या बाउल है सिलेंड्रिकल, ये पूरा नहीं भरा है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायमीटर है ना, ये सेंटर है, तो ये जो इसका डायमीटर है ना स्टूडेंट्स, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आप लोग निकाल ही लेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 3.5 लिखो, चाहे 7/2 ही लिख के छोड़ दो, रेडियस थोड़ी ना किसी ने पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो अभी देखिए क्या पूछा है, वो हम आप देख लेंगे। लेकिन ध्यान दें, ये पूरा कंटेनर नहीं भरा हुआ है। कहां तक भरा हुआ है? If the bowl is filled with the soup to a height of 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है केवल? ध्यान से चेक करिए बच्चों, 4 सेंटीमीटर तक। तो ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है, इस हाइट तक ये भरा हुआ है, सही है? ये ठीक। तो ये वाली हाइट कितनी होगी बताइए? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में क्या भरा हुआ है? ये देखिए लिक्विड हमने आपको दिखा दिया, ये क्या है आपका? सूप है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सूप का वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, बताइए? क्योंकि सूप ने भी कौन सा शेप ले लिया? सिलेंड्रिकल शेप। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। रेडियस तो हम 7/2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेंडर की भी रेडियस कितनी? 7/2। और जितने सिलेंड्रिकल पोर्शन में सूप भरा हुआ उसकी भी रेडियस कितनी है? 7/2। अरे जो सिलेंडर की रेडियस है वही सूप वाला जो वॉल्यूम है, जो सूप ने शेप बना लिया सिलेंडर का, वही सूप वाले सिलेंडर की भी रेडियस है। लेकिन हाइट का ध्यान दें स्टूडेंट्स, वॉल्यूम को कौन डिसाइड करेगा? रेडियस तो फिक्स हो गया, पाई भी एक फिक्स नंबर है, 22.7 रख लोगे। हाइट अगर आप बढ़ाते जाओगे ना तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो आपको कौन सी हाइट लेनी है? एग्जाम में अगर आपको उन्होंने कंटेनर की हाइट दी हो ना बच्चों, तो कंटेनर की मत लीजिएगा। किसकी लेंगे हम लोग? जिस हाइट तक सूप भरा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता, ध्यान से चक्रिए, कि भाई कंटेनर की टोटल हाइट कितनी? टोटल हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर, ठीक, और हमको ये बताया होता उन्होंने कि सरफेस से, मतलब कंटेनर का जो टॉप है, सरफेस नहीं, कंटेनर का जो टॉप है, टॉप से लेके ये 5 सेंटीमीटर तक खाली है, समझ गए? तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर तक तो ये खाली रहता, मतलब यहाँ एयर है, कुछ नहीं है यहाँ। तो बताओ सूप की हम हाइट कितनी लेते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए? एक एक कंटेनर में जितना सूप भरा है उस सूप का वॉल्यूम हम कैसे निकालते? उसके लिए हम हाइट क्या लेते? रेडियस तो जो दी रहती है वो तो हम ले लेते, लेकिन हाइट हम ये वाली लेते। और ये वाली हाइट कैसे आती? 25 - 5, तो 20 आती। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर बनते भी हैं एग्जामिनेशन में, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई डाउट है बताइए, आगे बढ़ते तो आते हैं बहरहाल यहाँ पे। अब एक बात बताओ बच्चों, इन्होंने आपको बोला है हाउ मच द सूप हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली। ध्यान से चेक करो, डेली कह रहा है हॉस्पिटल को कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर वो कितने लोगों को सर्व करता है? 250 पेशेंट्स को सर्व करता है। तो सुनो एक बात बताओ, 250 पेशेंट्स के पास गया होगा, तो 250 वेसल्स में गया होगा, तो एक वेसल में कितना सूप आता है इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। एक बाउल में कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच से, और एच कितना रखेंगे? 4, फिर 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान दें, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। आप बताइए उसको किस में चेंज कर लें?
हाँ लीटर में कर लें, क्यों कर लें ये तो भाई, क्योंकि देखा ना आपने डेली लाइफ में हम लोग लीटर्स में बात करते हैं भाई, वो लिक्विड है। कैंटीन में आपने बोला कि भैया 250 पेशेंट्स को हमें देना है, पूछेगा कितने लीटर बना दें, है ना, ये तुम उसको सेंटीमीटर क्यूब बताओगे वो समझ ही नहीं पाएगा, वो तो किससे नापता है, लीटर वाले बर्तन से। तो आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हुए हम किस में चेंज कर लेंगे, लीटर में, कोई डाउट है? और क्या आपको पता है कि 1 meter cube इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताइए, 1000 क्या लीटर्स, ये तो हमने आपको याद कराया, एल का मतलब लीटर्स, ठीक है, 1 meter cube इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया तो आप उसको पहले मीटर क्यूब में चेंज कर लो, या आप यहीं पे सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या निकाल लो, रिलेशन निकालना आता है, कैसे सिखाया था, रेडियस तो 7/2 है, याद रखिएगा इसको, तो अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से चेक करो बच्चों, 1 meter cube इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 liter, फटाफट देखिए 1 meter cube का क्या मतलब होता है बताइए, 1 meter into 1 meter into 1 meter, यही तो मतलब होता है, चेक करो ना, 1 1 जा 1 1 जा 1 और meter into meter into meter cube, तो 1 meter cube इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 liter, तो 1 meter cube को मैंने 1 meter into 1 meter into 1 meter लिखा, और 1 meter में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये वाले 1 meter की जगह मैंने क्या लिख लिया, 100 centimeter, ये वाले 1 meter की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इंटू 1 meter की जगह मैंने क्या लिख लिया, 100 centimeter इज इक्वल्स टू व्हाट, अरे 1 meter में 100 centimeter होते हैं, तो 1 meter की जगह जहां जहां 1 meter था मैंने क्या लिख लिया, 100 centimeter। अब ध्यान से चेक करो, 100 into 100 into 100 कितना हो जाएगा बताओ, 1 और 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे टोटल, हाँ, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, 1000 liters, ये 1000 liter से। नाउ अब ये वाला नंबर उधर नीचे भेज दो, तो 1 centimeter cube में कितना लीटर होता है ये तुमको पता चल जाएगा, नहीं समझ में आई बात, हाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से 1 centimeter cube इज इक्वल्स टू, ध्यान से करो भाई, अगर ये कितना लिखा हुआ है आपका, मेरे ख्याल से 10 lakh लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, 10 lakh centimeter cube में अगर 1000 liter है, तो 1 centimeter cube में कितना लीटर होगा, यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा बताओ, 1000 liter डिवाइडेड बाय नीचे 1 2 3 4 5 और 6, सही है, ये 3 0 से 3 0 गए, तो क्या आ गया बताइए रिलेशन, 1 centimeter cube इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/1000 क्या लीटर्स, ऐसे करके हमने पता कर लिया कि भाई 1 centimeter cube में कितने लीटर होंगे, 1/1000 liter होंगे, तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा उसको हम 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या दूसरे शब्दों में बोले तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बात कैसे, चलो बस, तो हमने सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में ध्यान से चेक करिए, हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन बाउल, या वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, वॉल्यूम ऑफ सूप ऑक्यूपाइड इन वन बाउल इज गिवन बाय कितना हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व करो, पाई कुछ नहीं बोला है तो 22.7 लेंगे, रेडियस कितना है बताइए, रेडियस आपका 7/2 है, तो ध्यान दो 7/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 7/2 × 7/2 इंटू हाइट कितनी है बताइए फटाफट, 4 लेनी है हाइट, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7 से 7 गया, ठीक, देखो 2 1 2 2 2 4, फिर ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर, 22 × 7 7 2 14, कैरी बन जाएगा 7 2 14 + 1 15, 154 centimeter cube, ये कितने बाउल में आता है, 1 बाउल में, बट हमको क्या चाहिए, हमको टोटल वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम फॉर कितने पेशेंट्स को देना है, 250 पेशेंट्स को देना है, तो बोलिए कितना होगा इसको 250 से, भाई एक बाउल में इतना आता है, 250 बाउल में कितना आएगा, 250 इंटू व्हाट, 154, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 250 तो नंबर है, और 154 सेंटीमीटर के पास, 154 के पास क्या है, यूनिट है, तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से चेक करो, 154 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर देगा उसमें एक जीरो लगा देना, ठीक है ना, तो यहां पे आपको करके दिखाते हैं, 154 इंटू व्हाट, इंटू 25, ठीक है ना, 5 4 20 2 5 5 25 25 + 2 27 2 जाएगा, है ना, 5 1 5 + 2 7, फिर इंटू लगाएंगे, ठीक है, और अब हमें 2 से करना है ना, 2 4 8 2 5 10, कैरी 1 2 1 2 + 1 3, तो कितना जाएगा 0 7 + 8 कितना जाएगा 15, कैरी 1 7 + 1 8, और इधर 3 कितना आ गया 3850, यानी कि 3850 क्या सेंटीमीटर क्यूब, अभी तो पढ़ाया था सेंटीमीटर क्यूब, 1 centimeter cube में कितने लीटर, 1/1000, तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर, तो 3850 × 1/1000, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेंटीमीटर क्यूब को
लीटर में कैसे चेंज करें? अरे भाई डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, 3850 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3850 अपॉन में क्या जाएगा? 1000। तो पता है कहीं कहीं आपको ये भी बोला जाएगा कि सेंटीमीटर क्यूब में को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, तो जितने सेंटीमीटर क्यूब आते हैं उसको हम 1/1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखने में ऐसा लगता है कि मानो जो सेंटीमीटर क्यूब में आया था आंसर 3850, मानो कि उसको 1000 से क्या किया जा रहा हो, डिवाइड किया जा रहा हो, ऐसा देखने में लगता है, इसलिए बोला जाता है। कोई डाउट है बताइए। अब ये वाला जीरो इससे चला गया, अब बताइए क्या आ गया, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, 385 अपॉन में क्या आ गया, 100 लीटर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बताइए अभी यहाँ पे कहीं पे डेसिमल नहीं है, 100 से डिवाइड लगेगा, तो हम कहाँ मानेंगे डेसिमल सबसे पीछे, टू प्लेस कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.85 क्या लीटर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो गई है। हाँ देखिए क्या गड़बड़ हुई है, सुनिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, जब 154 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया था आंसर क्या आया था, 3850। हमें ये वाला जीरो भी तो लगाना था ना, चेक करो, अभी तो हमने 250 से तो किया नहीं था, 25 से किया था, ये वाला जीरो हम भूल गए, तो एक जीरो यहाँ आना चाहिए था, तो 385 के बाद दो जीरो यहाँ आएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक जीरो और आना चाहिए था, फिर ये जीरो इसको काट देता, तो नीचे क्या बचता आपके पास, 10 बचता है ना, तो नीचे जब 10 बचता तो डेसिमल्स सबसे पीछे हम सोचते और कहाँ आता, यहाँ आता, तो कितना आ जाएगा बताइए, 38.5 लीटर्स। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि 38.5 लीटर का मतलब 38 लीटर, 38 लीटर और हाफ लीटर और, अरे हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5, हाफ का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 38 प्लस 0.5 लीटर्स। तो जब कैंटीन वाले को बोलोगे भैया सूप बनाना है, बोले कितना बनाना है, तो अगर तुम उसको ये बोल दोगे ना, ये कि भैया एक काम करो, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप बना दो, नहीं समझ पाएगा वो, लेकिन जब आप उसको बोलोगे 38.5 लीटर सूप बना दो, तो वो समझ जाएगा तुरंत, अपना जो भी नापने वाला लीटर वाला बर्तन है लेके पानी वानी तैयार करेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है कि 1 लीटर सूप कब तैयार होता है, कितना मटेरियल डालने पर, तो अपना तैयार कर लेगा 38.5 लीटर, यानी कि कितना, 38 लीटर और हाफ लीटर और। अरे भाई 38.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 38 प्लस 0.5, यानी कि 38 और 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, 0.5 क्या होता है भाई, 1/2, आधा लीटर और, 38 लीटर और आधा लीटर और, बात समझ आएगी नहीं, तो ये चीज़ हो गई। तो स्टूडेंट्स इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको